आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से कोई भी जयंती हो, जैसे अभी गुरु नानक जयंती साहब थी, एक तरह से आपकी गुरु नानक साहब का जन्म था। क्या था? जन्म था। तो इस पर आप देखते हैं कि हमारे यहाँ के नेता हो, फिर चाहे कोई भी हो, बड़े ट्वीट करने लग जाते हैं, बधाई देने लग जाते हैं। कभी आप गांधी जयंती हो, या फिर नेहरू की जयंती हो, या स्वामी विवेकानंद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, कोई भी हो, लेकिन आपने देखा होगा इनकी विचारधारा से इनका कोई लेना देना नहीं होता। कई पार्टियां आपने देखी हैं कि खड़ी हुई हुई हैं नेताओं की विचारधारा को लेकर, लेकिन आप देखेंगे उनकी विचारधारा और इनकी विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा आपको। राम राज्य की कभी बात करते रहते हैं, तो आप देखेंगे राम राज्य का मतलब क्या होता है, तो राम राज्य से इनका कोई मतलब नहीं रहता है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, बस राम का नाम उपयोग करने की एक तरह से सोचते हैं, और उसी के नाम पर एक तरह से वोट बैंक की अपनी राजनीति करते रहते हैं। तो अभी हाल ही में आपने देखा है कि भारत के राष्ट्रपति साहब ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं, और आप सभी जानते होंगे कि सिखों के प्रथम गुरु व सिख समुदाय के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्मदिन गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती कार्तिक महीने में पूर्णिमा के दिन होती है, और इस कारण से कार्तिक पूर्णिमा के नाम से भी से जानते हैं आप लोग। ठीक है, जन्म की बात करें तो 1469 में लाहौर के पास तलवंडी वंडी राय भोई गांव में हुआ था, जिसे आप अब अभी ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। एक बार मैप्स में आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें प्यारा हमारा भारत ये है। ठीक है, अगर अपने पड़ोसियों की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा नीचे आपका श्रीलंका, ठीक है, और यहाँ आपका बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान ये है, नेपाल, ऊपर चाइना है, और यहाँ पाकिस्तान है, अफगानिस्तान ऊपर। अब अफगानिस्तान की सीमा भी छोटी सी हमारे देश से लगती है। ठीक है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, आप देखेंगे तो यहाँ पाकिस्तान में लाहौर के पास आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? देखिए गुरुद्वारा, क्या है? गुरुद्वारा साहब, ननकाना साहब कहते हैं ना, इसी को कहते हैं। ये अब आपका पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। पहले आप जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत एक हुआ करते थे, 1947 में अलग हो गए थे, तो एक तरह से यही हुआ था। वह सिख धर्म के 10 गुरुओं में से पहले और सिख धर्म के संस्थापक थे। योगदान की बात करें इनके, तो गुरु नानक देव जी एक दार्शनिक, समाज सुधारक, चिंतक एवं कवि थे। इन्होंने समानता और भाईचारे पर आधारित समाज तथा महिलाओं के सम्मान की आवश्यकता पर जोर दिया है। गुरु नानक देव जी ने विश्व को नाम जपो कीरत करो वंड छको का संदेश दिया, जिसका अर्थ है कि ईश्वर के नाम का जप करो, ईमानदारी व मेहनत के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाओ तथा जो कुछ भी कमाते हो उसे जरूरतमंदों के साथ बांटो। इसीलिए आप देखते होंगे कि सिख धर्म में आप लोगों को काफी इस तरह के काम करते हुए मिल जाएंगे। लॉकडाउन में भी आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से इन लोगों ने मदद की हुई है। कभी आप जाइए इनके जो भी एक तरह से धर्म को मानने वाले स्थल होते हैं, वहां भी आपको कोई भूखा देखने को नहीं मिलेगा। तो एक तरह से अभी अगर बात की जाए तो सिख धर्म मुझे लगता है कि बेहतर काम कर रहा है अपना, और जो उनके कर्तव्य है वो निभाते भी हैं। ठीक है, उन्होंने यज्ञ, धार्मिक स्थान, मूर्ति पूजा, कठोर तपस्या को नकार दिया है। वे एक आदर्श व्यक्ति थे जो एक संत की तरह रहे और पूरे विश्व को कर्म का संदेश दिया। उन्होंने भक्ति के निर्गुण रूप की शिक्षा दी है। इसके अलावा उन्होंने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया और सामूहिक पूजा संगत के लिए कुछ नियम भी बनाए। उन्होंने अपने अनुयायियों को एक ओंकार का मूल मंत्र दिया और जाति, पंथ, लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार करने पर जोर दिया है। याद रखिए, कभी आप लोग निबंध पूछ लेता है इस तरह का, तो उसमें भी इन फैक्टों को आप लोग उपयोग कर सकते हैं। ये आप समझिए कि विचारधारा की बाहरी में भी क्वेश्चन आ सकता है, या प्रीलिम्स में फैक्ट भी पूछ लेगा आप लोगों से। और वैसे भी हम कहते हैं कि कहीं ना पूछे तब भी आप लोगों को इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और आप कहें गांधी जी के बारे में क्वेश्चन ना आए, अरे भाई ना आए तो ना आए, लेकिन कम से कम गांधी जी के बारे में मालूम तो होना चाहिए, अपने देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। फिर चाहे हमारे यहाँ का कोई भी स्वतंत्रता सेनानी हो, या उससे पहला को कोई भी व्यक्ति हो जिसने अच्छा काम किया, समाज के लिए काम किया है, देश के लिए काम किया है, उसके बारे में मुझे लगता है थोड़ी बहुत जानकारी आपको
इकट्ठी कर लेनी चाहिए और याद रखनी चाहिए। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो 1539 में करतारपुर पंजाब में इनकी मृत्यु हुई थी। आधुनिक भारत के लिए गुरु नानक देव की प्रासंगिकता की बात करें तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि गुरु नानक का वर्तमान में क्या की विचारधारा क्या या इनकी जो भी मार्ग था उसकी क्या प्रासंगिकता है, इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, एक समतावादी समाज का निर्माण, समानता का उनका विचार निम्नलिखित नवीन सामाजिक संस्थानों में देखा जा सकता है जो उनके द्वारा शुरू किया गया था। लंगर, सामूहिक खाना बनाना और भोजन को वितरित करना। अभी एक हॉस्पिटल का नाम पढ़ रहा था, कहीं इंटरव्यू देख रहा था किसी व्यक्ति का, तो वो अपना सोचिए कि सब कुछ घर परिवार पूरा एक तरह से लगे हुए हैं सेवा में, समझ रहे हैं आप लोग, मतलब इसी खाना खिलाने की, जिसे लंगर आप लोग बोलते हैं। और सबसे ज्यादा अग्रणी में आप लोगों को लंगर हर बार कोई भी धर्म हो रहा है, कोई भी आंदोलन हो रहा है, उसमें ये लोग बढ़ चढ़कर मदद करते हैं। पंगत की बात करें तो उच्च निम्न जाति के भेद के बिना भोजन करना। संगत की बात करें तो सामूहिक निर्णय लेना। सामाजिक सद्भाव की बात करें अगर, उनके अनुसार पूरी दुनिया ईश्वर की रचना और सभी एक समान है, केवल एक सार्वभौमिक रचनाकार है अर्थात एक ओंकार सतनाम। इसके अलावा क्षमा, धैर्य, संयम और दया उनकी उपदेशों के मूल केंद्र है। आप खुद सोचिए, अभी कुछ समय पहले आपने सोचा होगा कि हमारे धर्म, कोई भी हिंदू धर्म की ले लेता हूँ, मुस्लिम धर्म का ले लेता हूँ, महिलाओं को आपने देखा होगा केरल में जो सबरीमाला है वहां प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। आप सोचिए कि हमारे यहाँ के जो भी धर्म गुरु रहे हैं उन्होंने किस तरह की मनगढ़ंत कहानी गढ़ी है। आप खुद सोच के देख लीजिए कि एक पुजारी साहब जो महिला से पैदा हो रहे हैं, मतलब पुजारी साहब क्या हो गए, शुद्ध हो गए और महिला अछूत हो गई, ये कहां का न्याय है आपको लगता है? आप अपने ही क्षेत्र में देख लीजिए, महिलाएं आजकल हर क्षेत्र में झंडा गाड़ रही हैं। आप किसी भी तरह से आप नहीं कह सकते हैं कि वो पिछड़ी हुई हैं। अगर आप, मुझे लगता है कि आप सोचिए कि खुद अपने आप में पिछड़ी हुई है तो अपनी अलग बात है। कोई महिला को लगता है कि मैं कमजोर हूं तो उसे अपने आप में लगता होगा, लेकिन देश दुनिया में कहीं नहीं मुझे लगता है कि अब कोई भेदभाव होना चाहिए और हो रहा है। आपको बढ़ चढ़ के भाग लेना होगा। एक समाज के निर्माण की बात करें तो उन्होंने अपने शिष्यों के सम्मुख कीरत करो, नाम जपो और वंड छको, काम पूजा और साझा का आदर्श तो रखा है। उनके धर्म का आधार कर्म के सिद्धांत पर आधारित था। उन्होंने अध्यात्मवाद के विचार को सामाजिक जिम्मेदारी एवं सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा में परिणत कर दिया है। उन्होंने 10 बंद की अवधारणा या जरूरतमंद व्यक्तियों को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करने की वकालत की है। एक बात और आपको बताऊं, देखिए कर्म के सिद्धांत को मैं भी मानता हूं। अब आप किसी भी जात से हैं, किसी भी कास्ट से, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका कर्म अच्छा है, आपका व्यक्तित्व अच्छा है, तो मुझे लगता है उसी की पूजा होनी चाहिए। आप किस कास्ट से आ रहे हैं, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं कि जो उच्च जाति से आते हैं फिर भी वो सारे कर्म करते हैं जो एक तरह से गलत हैं। और कई मैं ऐसे निचली जाति के लोगों को जानता हूं कि वो काम करते हैं जो एक तरह से आप सही कर है, समझ रहे हैं आप लोग। तो दूर दूर तक आप किसी जाति को किसी से मत जोड़ा करिएगा, कर्म से पूजा होती है, मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। और इन्होंने कहा है कि अपनी कमाई का जो भी हो 10वां हिस्सा दान करने की वकालत की है। मुझे भी ऐसा लगता है, देखिए आप कहते होंगे कि बहुत कुछ लगता है, जैसे आप लोग 10 रुपए कमा रहे हैं, 1 रुपया अगर किसी जरूरतमंद पर खर्च कर देते हैं क्या फर्क पड़ता है? आपने देखा होगा कि हम अपने घर में जब भी बच्चों को क्या करते हैं, उन्हें 1000, मैं किसी भी नॉर्मल परिवार की बात कर रहा हूँ, 1000 से 2000 के तो नॉर्मल पटाखे घलवा देते हैं दीपावली पर। आपने देखा होगा कपड़ा खरीदते हैं आप लोग, मान लीजिए आपने अगर 50,000 तक की जूते पहनते हैं लोग, और भी महंगे पहनते होंगे लेकिन मैं बता रहा हूँ एक नॉर्मल देखता रहता हूँ, तो कम से कम आप 100-150 रुपए की जूता लेकर किसी और को भी, तो मतलब जिसे जरूरत है, जिसके पास नहीं है उसे भी दिला सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि मुझे लगता है ठंड का मौसम चल रहा है, तो इसमें आप देखेंगे 10 से 15,000, 20,000, 50,000 तक की आप अपने लिए स्वेटर जो भी लेंगे, कोट लेंगे, जो भी लेंगे, तो कम से कम 100-150 रुपए का इतने में आराम से आ सकता है। वो देखेंगे आप लोग, बाहर निकल के देखिए आप लोग कि हर कोई, मतलब कई लोग मिल जाएंगे ठंड में ठिठोरते हुए, तो उन्हें भी तो दे सकते हैं, क्या बिगड़ जाएगा आपका? मुझे नहीं लगता है कि बिगड़ेगा, ये अलग बात है कि बिगड़े तो आप, हो सकता है आप समझदार हो, तो इतना करते रहना चाहिए।
और याद रखिए, यही रखा जाता है याद। आप खुद सोचिए क्या उखाड़ लेंगे। कुछ ना करिए, आप अपने अपने लिए जिया करिएगा। कितने साल जी जाएंगे, हो सकता है कि आप 200 साल जी जाएं। मैं भी ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि आप 500 साल जिए। लेकिन फिर जीने का कोई मतलब है? मान लीजिए, एक समझिए आप लोग की 1857, आप इतिहास पढ़ते रहते हैं तो आप लोगों की इतनी जानकारी याद होगी। रानी लक्ष्मीबाई एक तरफ थी, एक तरफ आपने देखा है सिंधिया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपना धर्म निभाया, अपने राज्य धर्म निभाया, और जो भी उनने काम किया उसके लिए आज इतिहास उनकी पूजा करता है। हम सब आप लोग पूजा करते हैं उनकी। एक तरफ सिंधिया को देखिए, अपने छोटे से मतलब के लिए, और एक तरह से आप सोचिए कि अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने जो गद्दारी की है उसका खामियाजा आज भी भुगतना पड़ रहा है। अब आप लोग कहेंगे कैसे भुगतना पड़ रहा है? आप इतिहास की कोई भी स्पेशल बुक्स उठा के देखिए आप लोग, उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि सिंधिया एक गद्दार था। अब क्या आप लोग को लगता है कि ये जिंदगी जब तक रहेगा, जब तक धरती रहेगी, जब तक मानव जीवन रहेगा, जब तक हमारा इतिहास रहेगा, क्या ये शब्द हट पाएगा? मुझे नहीं लगता है कि हट पाएगा। तो आपके कामों पर मुझे लगता है कि आपको याद रखा जाता है। अब देखिए आप लोग, कोरोना आया हुआ है, एक बाल से भी हमारे कई गुना छोटा है, उसने हमारी औकात याद दिला दी है कि हो सकता है कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं, सुबह हमारा बात ना हो, कभी भी कुछ, किसी भी पल कुछ हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह जीवन को जीना चाहिए हमें, कि अगर अभी भी मौत हमारे सामने खड़ी हो तो हमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। चलिए चलते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जो एक तरह से इस तरह नहीं जीते वही डरते हैं इस काम, ठीक है। लैंगिक समानता की बात करें तो उनके अनुसार महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी ईश्वर की कृपा को साझा करते हैं और अपने कार्यों के लिए समान रूप से जिम्मेदार होते हैं। महिलाओं के लिए सम्मान और लैंगिक समानता शायद उनके जीवन से सीखने वाला सबसे महत्वपूर्ण सबक है। शांति की स्थापना की बात करें तो भारतीय दर्शन के अनुसार एक गुरु वह है जो रोशनी ज्ञान प्रदान करता है, संदेह को दूर करता है और सही रास्ता दिखाता है। इस संदर्भ में गुरु नानक देव के विचार दुनिया भर में शांति, समानता, समृद्धि को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। और दूसरे गुरुओं को देख लीजिए आप लोग, कि वो आपको भ्रमित करेंगे, आपको भड़काएंगे, एक धर्म से दूसरे धर्म से लड़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसी का परिणाम हमारा देश भुगत रहा है, वो भुगतता रहेगा। मैंने हमेशा बोला है कि राजनीति में इस तरह के धर्म गुरुओं का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर राजनीति में धर्म में हस्तक्षेप होता है धर्म का, तो आप समझिए कि देश में एक देश की एकता, अखंडता को भी और शांति भी भंग हो सकती है। इसका आप लोग उदाहरण देख सकते हैं, मुझे शायद बताने की जरूरत भी नहीं है। 2019 में गुरु नानक देव की 550वीं जयंती मनाई गई और करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया, जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हुआ है। और आप समझिए, बुद्ध भगवान हो या स्वामी बुद्ध भगवान हो, या आप समझिए महावीर स्वामी हो, आप समझिए फिर चाणक्य हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक हो, या फिर हमारे महात्मा गांधी, कोई भी इस तरह के जो भी इतिहास में रहे हैं लोग, उनके कारण हमारी विदेश नीति भी निर्धारित होती है। कई देशों से देखेंगे आप लोग, कई देश आपके फैक्टर, ये फैक्टर भी शामिल हो जाते हैं। चाइना से देखिए आप लोग, फिर चाहे आप लोग देखेंगे अपने पड़ोसी से देख लीजिए, श्रीलंका से। तो अभी सोचिए कि इनका योगदान बहुत काफी है। आज के नेताओं की बात मैं नहीं करता हूं, क्योंकि आजकल के नेता नेता नहीं है, वो तो एक तरह से आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं ना, और किस लिए कि कमाएंगे खाएंगे, इसी तरह वो भी अपने काम में लगे हुए हैं, ठीक है। इस तरह के जो भी लोग होते हैं उनके बारे में छोटी मोटी मतलब जानकारी याद रख लिया करेगा, परीक्षा के पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण हो या ना हो, लेकिन वैसे आपकी जिंदगी में इनका बहुत योगदान रहता है और इनकी विचारधारा को पढ़ते रहना चाहिए। अब आप देखिए, विवेकानंद साहब की बायोग्राफी आपको पढ़ लेना चाहिए, और अब तो आपको नहीं है बुक्स आपके पास, तो देख लीजिए, पीडीएफ आपको गूगल पर मिल जाएगी कहीं भी, किसी भी साइट पर, ठीक है।